अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को रविवार को उनकी मासी और दिग्गज अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखा गया। नौरा भी अपने हॉट अंदाज में नजर आई, जबकि सारा को भी एयरपोर्ट पर देखा गया। अभिनेत्री नौरा फतेही को सोमवार को जुहू स्थित पूजा एंटरटेनमेंट के ऑफिस के बाहर देखा गया। लाइट येलो ड्रेस पहने नौरा यहां अपने हॉट अंदाज में दिखी। नौरा ने वहां मौजूद पेपराजी के लिए भी पोस्ट किया। नौरा अक्सर ही सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों संग अपने वीडियो और तस्वीरें साझा करती रहती हैं। नौरा इन दिनों नाच मेरी रानी नाम के अपने वीडियो को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें वह गुरु रंधावा के साथ नजर आई थी। इस गाने में लोगों ने दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया। दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने रविवार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उनके जीजा और अभिनेता शक्ति कपूर, उनकी पत्नी और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धांत कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी के बेटे प्रियांक शर्मा भी मौजूद थे। श्रद्धा की फिल्मों की बात करें तो वह आगामी फिल्म नागिन में नजर आएंगी। अभिनेत्री को लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखला नागिन पर आधारित 3 फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए साइन किया गया है, जो विशाल फूरिया द्वारा निर्देशित और निखिल द्विवेदी द्वारा निर्मित है। इस फिल्म को VFX के माध्यम से बनाया जा सकता है, हालांकि इसके रिलीज डेट का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री सारा अली खान भी मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। सारा को हम जल्द ही वरुण धवन के साथ कुली नंबर 1 में देखेंगे। सारा और वरुण ने फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है। दरअसल ये फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली है। सारा और वरुण के साथ साथ इस फिल्म में परेश रावल, जावेद जाफरी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव सहित अन्य कलाकार भी नजर आएंगे। वहीं सारा अक्षय कुमार और धनुष के साथ अतरंगी रे का भी हिस्सा है। अभिनेत्री लारा दत्ता भूपति भी अपने खूबसूरत अंदाज में जुहू स्थित पूजा एंटरटेनमेंट के ऑफिस पहुंची। लारा हमें आगामी फिल्म बेलबॉटम में नजर आएंगी। अभिनेता अक्षय कुमार, वाणी कपूर और हुमा कुरेशी भी इस फिल्म का अहम हिस्सा हैं। वहीं अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा भी वर्सोवा में स्पॉट हुई। सानिया को हम विक्रांत मैसी और बॉबी देओल संग आगामी फिल्म लव हॉस्टल में देखेंगे।